ठीक है, अच्छे हैं, ठीक ठाक। हम 19th लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर न्यूमेरिकल में से 17 तक देख चुके हैं। अब आज फिनिश करने आए हैं पूरा टोटल वेव ऑप्टिक्स को। लेक्चर नंबर 20 तक चले वाला बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे 12th एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए पूरे पूरे कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए वाले हैं। तो चलो, रहे वाले प्रॉब्लम आज के लेक्चर में, इन अ बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आप लोग रेडी हैं? यस, स्टार्ट करें अभी। बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। कैसी इंफॉर्मेशन है सर? देखो, यहाँ पे एक बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे। ये बायप्रिज्म है, ये बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट करते समय एक ही सोर्स इमिट करता है रे ऑफ लाइट्स। ओके, बात आई ध्यान में? आगे कैसे कंडीशंस है रीड करना पड़ेगा। एक डायरेक्टली वेव्स ऐसे फॉर्म होते है ना, मगर स्क्रीन पे जब एंटर होते हैं तब ऐसे एंटर होते, याद रखना बच्चों। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे क्या बताया गया? एट द डिस्टेंस ऑफ 1.2 फ्रॉम द स्लिट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द माइक आई पीस। देखो, ये स्क्रीन जो हम बताए थे अभी, यहां पे आईपीस लगे वाला रहेगा। आईपीस क्या रहता सर? यहां से हम मेजरमेंट, एक स्केल बिठाए वाले रहती, आईपीस बिठाए वाला रहता, उससे हम फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ, पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक्यूरेट डिस्टेंस, कम से कम होने वाला डिस्टेंस भी हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए वो आईपीस रहना जरूरी है। ये आईपीस यानी स्क्रीन और बाइप्रिज्म, ये दोनों में एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये है बाइप्रिज्म है ना, ये है कॉन्वेक्स लेंस। पूरी बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल है। ओके, ये एक-एक प्रॉब्लम होने के बाद हम आपको लिखने लगाएंगे पॉज करके, जब तक दूसरे प्रॉब्लम प्रिंट हुए वाले दिखेंगे। ओके, चलेगा? चलो, अब यहां से यहां तक, यहां से ये बहुत बड़ा निकल गया यार। अब उतना पर्टिकुलर तो हम मेजर करके नहीं निकालेंगे अभी, खाली अंडरस्टैंडिंग करना है हमें। यस, अब यहां से ये एक हो गया पैटर्न, कहां पे डेवलप हो सकता है ना, यहां से ये थोड़ी सी बात रे ऑफ पार्ट गलत हो गया हमारा, ये एक पार्ट। देखो, यहां पे ये फिगर नहीं निकालना है हमें, जब ये रिप्लेस होते, जब ये रिटर्न आते, जब ये रिटर्न आते, यहां पे एक ही सोर्स से, वर्चुअल सोर्सेस में ये बदलाव दिखेगा, ऐसा लगेगा हमें ये इंटरफेरेंस पैटर्न बाय प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट करते समय सोर्सेस ये दो है, ये नहीं है। देख लो बच्चों, ये दोनों में का डिस्टेंस स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, जो भी स्क्रीन मिल रहा है हमें, ये डिस्टेंस d1, स्मॉल d1 से इंडिकेट करेंगे। ये स्मॉल डी है, इधर स्मॉल d1 है, ये लेंस से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस v1 कंसीडर करेंगे और
सोर्सेस से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस u1 कंसीडर करेंगे, u1 प्लस v1 कैपिटल डी कंसीडर करेंगे बच्चों। बस कितने टर्म हो गए, एक दो तीन चार और पांच, सिक्स्थ वन हम बताएंगे आप, है ना। हाँ पूरे आधा डजन है, ये आधा डजन टर्म्स बाय प्रिज्म बोलने के बाद कभी भी आ सकते, इनमें से कम चार भी आ सकते, ये बात याद रखना। ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में सॉल्व करते समय याद तो रखना पड़ेगा। सिक्स्थ वन टर्म कौन सा है, ये जो इंसिडेंट हो रही है लाइट, उसकी वेवलेंथ सिक्स्थ वन पार्ट। देखो अभी इन द बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, स्क्रीन पे फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड हो रहे है ना। फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो आई पीस और बाइप्रिज्म फ्रिंजेस, फोकल प्लेन का डिस्टेंस हमें कितना दिए वाला है, 1.2 मीटर, यानी कैपिटल डी की वैल्यू दी गई। हाँ ये एक्सपेरिमेंट में जो डिस्टेंस है आईपीस का, ये डिस्टेंस है आईपीस का यानी कैपिटल डी फ्रॉम गिवन। पहले गिवन लिखेंगे हम, गिवन में क्या है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर। आगे रीड करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड। देखो सेंटर पे तो ब्राइट बैंड आता ही, ये है हमारा सेंटर पॉइंट है ना, ये ब्राइट बैंड है, यहां से ऊपर 20 तक ये 20 समझेंगे, समझो ये 20, नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं। ये जो डिस्टेंस है फ्रिंज विड्थ बताएंगे, 20th x, x यानी फ्रिंज विड्थ। 20 क्यों लिए, 20 मिडल से लेकर सेंटर से लेकर, सेंटर कहां रहता, ब्राइट पे रहता, इसलिए ये ब्राइट से लेकर 20th 1 ब्राइट तक हम गिने हैं डिस्टेंस, काउंट करे हैं, मेजर करे हैं, कितना है 1.04 सेंटीमीटर, 0.4 × 10⁻²⁰ मीटर में, ऐसा है सिस्टम में हम कन्वर्ट करके ले रहे हैं। यस चलो आप एक्स की वैल्यू निकाल दें, 0.4 × 10⁻²⁰ - 2 / 20, ये 20 मल्टीप्लाइड में से डिवाइड में चले गया, यहाँ पे 4 × 10⁻²⁰ - 200, एक प्लेसेस डेसिमल उड़ा दिए हमने, एक जीरो बढ़ा दिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 × 10⁻²⁰ (10^2). यस 100 है ना, 100 को 10^2 लिख सकते, ऊपर लेके जाओ 2 × 10⁻⁴ मीटर। एक कौन सा डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ, यहां से सेंटर से लेकर 20 तक का डिस्टेंस हमें 2 × 10^-4 मीटर मिल गया। आगे आगे क्या बताया गया, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाय प्रिज्म एंड द आईपीस। देखो ये बाय प्रिज्म है, ये आईपीस है यानी स्क्रीन, ये दोनों में का जो भी ये आईपी अपना कॉन्वेक्स लेंस पुशअप कर दिए हम, अंदर रख दिए दोनों के अंदर 90 सेंटीमीटर, ये किसका डिस्टेंस हो गया। देखो जो भी हमने कॉन्वेक्स लेंस बाइप्रिज्म और स्क्रीन यानी आईपीस, ये दोनों में जो रखे आईपीस से उसका डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर है ना, यहां पे दिया गया वैसे राइट। अब ये 90 सेंटीमीटर को v1 के लिए, v1 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 90 × 10⁻²⁰ मीटर, और इसे क्या बना सकते हैं हम, एक जीरो निकाल सकते हैं, नक्को आप है ना, लिए तो भी चलेगा नहीं लिए तो भी चलेगा, यहां पे डेसिमल रहता बच्चों,
ये डेसिमल हमने इधर लाके रख दिए तो 10 to the power 2 माइनस टू और प्लस टू उड़ जाएगा, 0.9 मीटर आएगा, खत्म बात। यार आई ये कैसे कन्वर्ट कर दिए हमने, ऐसा भी नहीं आया। 90 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 10 to the power माइनस 2 नीचे आया, डिनोमिनेटर में 0 0 कट गया, 1 0 एक प्लेसेस डेसिमल 0.9। कौन सी भी बात याद रखो यार, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हार्ड है? नहीं है। चलो आगे चलना है। अब V1 की वैल्यू मिल गई, आगे क्या करना है सर? पूरा तो बोर्ड भर जा रहा है अभी एक ही प्रॉब्लम से, है ना? हाँ, बड़े बड़े प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग पे है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी, देखो ये जो वर्चुअल इमेजेस फाउंड हुए उसका डिस्टेंस हमने क्या कंसिडर करे थे? D1। D1 की वैल्यू क्या दी गई हमें? 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 × 10⁻²⁻ मीटर बना दिए। पूरा गिवन डाटा हमने लिख के दी। अब हमें एक बात नहीं समझ में आई, U1 की वैल्यू देना था क्यों, किसके लिए? U1 और V1 का रिलेशन बच्चों D और D1 से है, एक कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे? आपका माइंड चलेगा यहां पे, हमारी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मगर निकालना क्या है? Then determine the wavelength of the light used up. जो लाइट यूज कर रहे हैं हम ये एक्सपेरिमेंट के लिए, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? फॉर्मूला x इज इक्वल टू बैंडविड्थ, फ्रेंज विड्थ इज इक्वल टू फॉर्मुलेटेड पार्ट लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी की भी वैल्यू नहीं है, ये स्मॉल डी जो है ये निकालने के लिए तो U1 V1 होना ही होना है हमारे पास एक फॉर्मूले के लिए। सिंस U1 + V1 इज इक्वल टू कैपिटल डी, बात आई समझ में? ये कैपिटल डी का डिस्टेंस जो है U1 की वैल्यू प्लस V1 की वैल्यू। बच्चों जब हम थ्योरी के लेक्चर ले चुके हैं, थ्योरी के लेक्चर में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, आपकी स्टडी हुए वाली होना हुए वाली चाहिए 101%, तो ही ऐसे प्रॉब्लम आप लोग कैच कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत सारा टाइम लगने वाला है। चलो U1 की वैल्यू नोन करना है, D - V1, U1 इज इक्वल टू D की वैल्यू क्या है? D की कैपिटल D की 1.2 माइनस V1 की वैल्यू क्या है? V1 0.9 है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, कुछ नहीं है हमारे को टेंशन। अब U1 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 0.3 मीटर, बात खत्म। इतना देख लो हम मिटाने वाले हैं, इतना मिटाने वाले हैं, नहीं इतना नहीं, फिगर मिटा देंगे, अभी एक रिलेशन बता देंगे आपको। कौन सा रिलेशन बताने वाले हैं सर? ये तो फाइनल है फार्मूला, ये वाले स्टेप गिवन डाटा, यहां से आंसर चालू हो गया, ये उइहा बोल के लिख दो। इसमें किसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं है, ये मालूम करना है, नोन करना है ये स्मॉल डी की वैल्यू, ओके। और लैम्डा तो हमें निकालना है, पूरे क्वेश्चन का ये मीनिंग है, रेफरेंस बाय द क्वेश्चंस वी वांट टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, बट फॉर दैट वन वेवलेंथ कैलकुलेशन वी ऑट टू नीड क्या है? डी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, नीड है हमें, इसलिए डी के पीछे लगे। अब बच्चों कभी भी D1 by D फार्मूला क्या है? D1 by D इज इक्वल टू V1 by U1, ये नहीं है पसंद आपको, समझो। क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते? D1 V1 है ना, D1 U1 और D into V1,
कौन सा भी लिखो, रिलेशन रिलेशन है। डी वन बाय डी हमने ऐसा लिखे, समझो आप लोग डी बाय डी वन चलता वो भी, मगर इधर क्या करना पड़ेगा, यू वन बाय वी वन लेना पड़ेगा, तो रिलेशन मेंटेन होता। ओके, अब इसमें ये पूरे वैल्यू रखना है, यू वन की वी वन की वैल्यू रखना है और डी वन की वैल्यू रखना है। डी वन हमारे पास है, ये पूरा गिवन डाटा हमें निकाल देना है, आंसर रखेंगे हम, आंसर भी लिख के आए हैं आपके लिए, हमारा आंसर आ सकता है क्या। चल ये मिटा दे, अभी क्वेश्चन मिटा दे, देख लिए एक बार, देख लो एक मोमेंट रखेंगे। चल ठीक है, अब देखो ये डी वन बाय डी, डी वन की वैल्यू क्या है, डी वन इसके नीचे के स्टेप्स। अब डी वन की वैल्यू हमारे पास है 9 0.9 × 10⁻²। ओके लिख दी, बाय डी स्मॉल डी इज इक्वल टू, वी वन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.9 डिवाइडेड बाय, यू वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखे हैं हम 0.3, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और स्मॉल डी की वैल्यू निकाल दो, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.9 × 10⁻²× 0.3 होगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, 0.9 0.9 0.9 क्या आंसर, स्मॉल डी की वैल्यू 0.3 × 10⁻²² मीटर मिल गई है। हुई है, और एक बार x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी क्या निकालना है, यही फार्मूला हमने यूज कर दिए है ना, लैम्डा निकालना है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू x इनटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, वैल्यू पुट अप कर दो है ना, वैल्यू पुट अप करेंगे आप, वैल्यू पुट अप क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल x की वैल्यू यहां पे हम निकाल के रख दिए, 2 × 10⁻⁴, डी की वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पे बॉक्स में रखने वाली है 0.3 × 10⁻², डिवाइडेड बाय कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पे हमने प्रॉब्लम से क्वेश्चन में से 1.2, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके देंगे हम है ना, 3 × 2 = 6, 0.6 डिवाइडेड बाय 1.2 × 10⁻⁶ बनेगा, राइट, वन प्लेसेस डेसिमल, वन प्लेसेस डेसिमल उड़ा दिए हमने, उड़ाने के बाद क्या मिलने वाला है, लैम्डा इज इक्वल टू 6 / 12 × 10⁻⁶ मिलने वाला है, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = है ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻⁶, आगे 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻²⁶, पॉइंट निकाल दो, इधर एक पावर बढ़ेगा है ना, 5 × 10⁻⁷। अब ये है आपकी मिड टर्म में वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में निकालना है सर, क्योंकि हमने लिख के लाया सो आंसर, कभी भी मीटर का एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मीटर बनाना है, ये एंगस्ट्रॉम है, इसको 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके ये अब मीटर में है, इसे हम 10⁻¹⁰ बना के रखेंगे, क्या बताए हम, 10⁻¹⁰ बना के रखेंगे। ओके चलेगा, कुछ टेंशन नहीं, चलेगा सर। अब इधर बाजू का हम मिटा देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, डिटेल है, इसलिए पूरा डिटेल बनाना चाहेंगे, यहां पे भी कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस है इतना, राइट। चलो इधर आ जाओ आप सब लोग। ओके लैम्डा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³, क्यों बनाया 10⁻³, यहां पे मीटर का एंगस्ट्रॉम बनाना था, एंगस्ट्रॉम का मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे 10⁻¹⁰ बनाना है, -7 में -3 ऐड कर दिए तो -10 हो जाता,
इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये नीचे वाला, ये दोनों का कैलकुलेशन कर दिए हमने, है ना, नीचे वाला 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा, +3 बनेगा, है ना, राइट। ये 10 का पावर 3 यानी कितना होता, 1000 होता सर, हमें उतना भी नहीं आता क्या? हाँ सबको आता भाई, ये है मीटर। आप 5 से 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये मीटर हो गया बच्चों। अब ये 10 टू द पावर माइनस 10 हटा दो, एंगस्ट्रॉम बनेगा, कन्वर्शन मिल गया, 5000 एंगस्ट्रॉम इज द रिक्वायर्ड वेवलेंथ, खत्म। देख लो पहले मिटाना है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आगे के क्वेश्चन भी लेना है, चलो मिटा दे अभी, हो गई बात, ओके मिटा। अब 19th नंबर का प्रॉब्लम है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुली, मोस्ट आईएमपी, आज का पूरा लेक्चर मोस्ट आईएमपी होगा, पूरे के पूरे प्रॉब्लम। इन फ्रेनोफर डायफ्रैक्शन, देखो फ्रेनोफर की बात करें अभी हम यहाँ पे कर देंगे अभी, देखो फ्रेनोफर ये बताता हमें, है ना, देख लिए, याद आई कुछ? हाँ सर, याद तो आ रही है हमें, किसकी भी नहीं आने देना, फ्रेनोफर डायफ्रैक्शन की गाली, ओके। फ्रेनोफर सर जी ने क्या बता दिए थे, ये जो मैक्सिमाइज का पॉइंट है, ये मिनिमाइज का पॉइंट है बच्चों, याद आई कुछ? ये मैक्सिमाइज का पॉइंट है, यहां पे हम मैक्स लिखेंगे और ये डॉट पे मीन लिखेंगे, ये डॉट पे मीन लिखेंगे, है ना, ये फ्रेनोफर की हिस्ट्री है। चल आगे बढ़ेंगे, बाय अ नैरो स्लिट, एक ही स्लिट रहती थी, है ना, वन स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रेनोफर ने बना दिए थे, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, स्क्रीन कहां पे, यानी गिवन डाटा क्या लिखेंगे हम, गिवन, फिगर भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्मॉल डी, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कैपिटल डी है यार, है ना, इन फ्रेनोफर डायफ्रैक्शन बाय अ नैरो स्लिट कॉमा अ स्क्रीन, नैरो स्लिट और स्क्रीन इनमें का डिस्टेंस यानी कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर लिख दिया हमने, द लेंस टू ऑब्टेन द डायफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ, देखो स्लिट की विड्थ, स्लिट में का डिस्टेंस यानी स्मॉल डी 0.2 mm को मीटर में बदलना है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते बच्चों, है ना। चल आगे, ये पूरी बातें आपको ध्यान में रखना है, नहीं रखेंगे इसमें कुछ दम नहीं है, फिजिक्स हार्ड चाहता सर, हार्ड लग रहा सर, कन्वर्शन नहीं आते ना बच्चों को, इसलिए बता रहे हम बार बार। एंड द फर्स्ट मिनिमम इज, देखो ये मैक्सिमाइज है, फर्स्ट मिनिमम ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, फर्स्ट मिनिमम हम ई से कंसीडर करेंगे, इज 5 mm ऑन द आइदर साइड ऑफ, आइदर ये है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इधर का भी 5 mm और इधर का भी 5 mm, 2 5 mm एक जगह आके दोनों का डिस्टेंस मिलने जा रहा है ना, बधाई ध्यान में, यस बच्चों। फार्मूला कैसे है ये फ्रेनोफर डायफ्रैक्शन के बारे में आपको कुछ याद है? चलो वी हैव, हम लिखेंगे, निकालना क्या है उससे भी निकाल सकते हैं हम, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देखो अब यहां पे विड्थ, फ्रिंज विड्थ यहां पे लिखेंगे हम, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी प्लस लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्यों दो प्लस में क्यों करें, ये है मैक्स का, ये भी है आइदर साइड ऑफ बोले, इसलिए 2 के 2 ऐड कर दिए हमने, ये है x, x की वैल्यू है ना इज इक्वल टू
लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। खत्म बात, फार्मूला पूरा मिल गया हमें। यहां पे भी लैम्डा की वैल्यू निकालना है। अब हर एक पॉइंट आपके पास दिए वाला है। देखो डी की वैल्यू हमें सप्लाई करे वाली है, ए भी वैल्यू सप्लाई करे वाली है। द फर्स्ट मैक्सिमम इज सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, यानी डार्क पॉइंट मिलता वहां पे, ये विड्थ क्या होने वाली है। अब देखो इसके लिए हम सीन्स यहां पे लिख के देंगे, x इज इक्वल टू 5umm प्लस 5umm। आपको घर पे भी समझना है इसलिए ऐसा लिखते हैं हम, 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर, mm का हम मीटर में बना दिए। x की भी वैल्यू मिल गई, लैम्डा निकल जा रहा है। चलो निकाल दे, अभी x की वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 3, 2 एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर बाय स्मॉल डी की वैल्यू 0.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 मीटर। लैम्डा निकालो यार, 10 क्या होगा माइनस 2 होगा, 1 है प्लस, ये माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है ना, ये 2 ए 2 इधर आएगी, 2 इंटू 2 क्या बचेगा इधर लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू फाइनल आंसर। चल अब क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर माइनस 2, ये 10 टू द पावर माइनस 3, यहां पे भी 10 रेस टू माइनस 1 करेंगे, इंटू 2 बनाएंगे, चलेगा। डेसिमल हटा दिए हमने, 10 रेस टू माइनस 1 ले लिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 2 2 रिजेक्टेड, खत्म हो गया। ये पूरे 10 के पावर काउंट करो यार, 10 टू द पावर माइनस 6 मिलेगा, क्या बच गया नीचे, इंटू 1/2, 1/2 का डिवीजन क्या आता 0.5 आता, 10 रेस टू माइनस 10 कर दो डायरेक्ट चलेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा 10 रेस टू है ना, एम राइट, 10 टू द पावर माइनस 4 करना पड़ेगा राइट, क्योंकि ये 6 था बच्चों, 6 में 10 करने के लिए पहले वाला प्रॉब्लम आज का 18 नंबर का वही तो है, 6 को 4 ऐड करना पड़ेगा, माइनस 4 माइनस 6 है, ये माइनस 4 ऊपर भी लिखे गए हम नीचे भी लिखे है, ये कन्वर्शन आपके डिपेंड्स पे है। ये पूरा सॉल्व तो नहीं करना चाहते थे हम, मगर आपको कुछ बातें कंफ्यूज नहीं रहना। अब क्या करेंगे, नीचे वाले 10 टू द पावर माइनस 4 को ऊपर लेके जाएंगे है ना, 0.5 इंटू 10 रेस टू प्लस 4 हो जाएगा राइट, 10 टू द पावर माइनस 10, एक डेसिमल उड़ा दो 5 बनेगा, एक पावर भी कम होगा, होगा ना, 10 टू द पावर माइनस 10, 10 रेस टू 3 यानी 1000, एक 1000 इंटू 5, 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो गया। अब इसका आंसर हम एंगस्ट्रॉम करना चाहेंगे, 10 रेस टू माइनस 10 हटा दो, ये एंगस्ट्रॉम बन गया, आपका आंसर भी तो मिल गया यार। चलो देख लो, देख लिए, चलो मिटा दे, अभी हो गया, मिटाना है, नोट कर लिए। चलो अब इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 20। अब ये प्रॉब्लम नंबर 20 लेते समय हम पहले बाउंड्री देंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये 21 नंबर का प्रॉब्लम है, ब्लू पेन से ब्लैक पेन से 20 नंबर का प्रॉब्लम है। क्या दिया गया, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इज In Young's experiment is twice the intensity of the light coming from the other slit. ये Young's experiment है ना? ये Young's experiment में ये जो pattern हमें screen पे मिलता था, right? ये
स्लिट में से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी, ये स्लिट में से पास होने वाले लाइट के इंटेंसिटी में से डबल है। किसे भी डबल लगाओ, नीचे भी या ऊपर भी, एक को आए लेना, दूसरे को टू आए लेना, एक को ई लेना, ई कैपिटल ई, यस वी कैन इंडिकेट बाय फॉर इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑफ लाइट, ओके। दूसरे को टू ई लेना एज गिवन, गिवन क्या बताएंगे हम, आई इज इक्वल टू टू आई और टू आई इज इक्वल टू आई, कौन सा भी एक लेना। अब क्या बताया गया आगे, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। रेशियो निकालना है ब्राइट के बारे में इंटेंसिटी, ब्राइट और डार्क के बारे में इंटेंसिटी। ए डार्क, ब्राइट को हम मैक्स बोलते और डार्क को हम मीन बोलते। ए मैक्स लिखेंगे आई मैक्स आई मीन, ये भाषा भी पूछ सकते, ये भाषा भी पूछे वाली है क्वेश्चन में, ओके। इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न, जो भी स्क्रीन पे पैटर्न मिलने वाला है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इनकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है, उसका आंसर निकालना है बच्चों। एक इसका मेन पार्ट नेट इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे। एक जब एक जगह गिरने वाले हैं, एक स्लिट में से जो बीम पास हो रहे, रे ऑफ लाइट पास हो रहे, वेव्स पास हो रहे, उनका नेट इंटेंसिटी क्या रहेगा, ये बात याद रखना आप लोग। नेट इंटेंसिटी, नेट आई नेट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू टाइम्स ऑफ आई वन अंडर रूट आई टू कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, इन दोनों में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों बीम्स जहां पे एक दूसरे को कोलाइड होते या इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते, वहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल है थीटा। यही तो एक्सपांड है आई वन प्लस आई टू होल स्क्वायर का अंडर रूट में, यही तो एक्सपेंड है पूरा। ये है मैथ्स के लिए, मीन के लिए क्या बताएंगे फिर, ये जगह खाली माइनस की होगी, यहां पे प्लस की जगह माइनस होगा। ए नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी फॉर्म। अब क्या निकालना है, जहां पे पैटर्न मिल रहा है स्क्रीन पे, वहां की ब्राइट और डार्क की रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। चलो बच्चों यहां से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन गिवन में लिख के रखना एक बात, एक दूसरी बात यहां पे क्वेश्चन मार्क बनाना। चलो आई मैक्स बाय आई मीन लिख के हम क्या लिखेंगे सर, अंडर रूट ऑफ आई वन, अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू मैक्स के लिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करें सर, यहां पे बता दिए हमने, एक्सपांड क्यों आता, क्या आता, फार्मूला क्या है, कैसे है, पूरा डिटेल यार, कुछ डरने की बात नहीं। अब क्या करेंगे, I1 की वैल्यू I रखो, I2 की वैल्यू 2I रखो, या उल्टा भी कर सकते हैं, I max is divided by I mean is equal to root of 2I minus root of I divided by ऊपर प्लस max का पार्ट है यार, under root of 2I minus root of I, यहां पे भी होल स्क्वायर, यहां पे भी होल स्क्वायर, बात आ गई ध्यान में, हाँ सर। यहां से रूट आई कॉमन निकाल दो,
आईमैक्स बाय आई मीन हर जगह नहीं लिखेंगे, इक्वल टू लिख देंगे हम रूट आई कॉमन निकाल दिए, ब्रैकेट में क्या रहेगा रूट ऑफ 2 प्लस 1, यहां से रूट आई बाहर आया, बाय यहां पे क्या रहेगा रूट ऑफ आई बाहर आया रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, बात आई ध्यान में, हाँ सर यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट आई चला जाएगा या स्क्वायर स्क्वायर रूट हटा दो आई बाय आई रहेगा वो भी चला जाएगा, बोथ आर सेम। यहाँ पे एक्सपांड देने के बाद क्या मिलने वाला है सोचो, एक्सपांड देना ही कहीं को रैशनलाइजेशन बना लेंगे हम। आपको मैथ्स वालों ने पढ़ा दिए व्हाट इज मीन बाय रैशनलाइजेशन, है ना, चलो रैशनलाइज करना यानी रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 इनटू रूट 2 प्लस 1, जो भी डिनोमिनेटर दिए बच्चों उसे अपोजिट साइन लेके न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना, एक होकर भी नहीं हुए जैसा रहेगा, कुछ एडजस्टमेंट तो है मैथ्स के बारे में, होल स्क्वायर को होल स्क्वायर ये दोनों का जो भी करना है कैलकुलेशन कर दो क्या आएगा, यहां पे रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा बाय रूट 2 माइनस 1 फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर 2 माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा, है ना। चलो इसका एक्सपेंड देंगे हम, आंसर आई मैक्स बाय आई मीन इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2, √2 × 1 मल्टीप्लाइड 2, क्यों सर आपको पॉलीनोमियल आइडेंटिटी मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 1 का स्क्वायर दैट इज 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर बना दो 1 आएगा, इसका स्क्वायर बचेगा बच्चों ये कहां से स्क्वायर आया ये होल स्क्वायर, ये जो अंदर का स्क्वायर का ब्रैकेट का उसका एक्सपेंड हमने कर दिए, ये बाहर वाला स्क्वायर बच गया, है ना। चल 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 2 √2 होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंड दे दो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 √2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 8 प्लस 9 दैट इज 17 प्लस 12 √2, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग जो भी रखना है रखेंगे, तो यहां पे आने वाला है 16 पॉइंट नहीं यार 1.14, इतना रखेंगे दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है 17 प्लस 16.98 तो समथिंग कुछ तो आएगा, जो भी है दोनों का प्रोडक्ट ये देखो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 16.9। आप लोगों को 99% 99 मार्क्स मिलने के बाद क्या बताएंगे बच्चों, तुम लोगों को 100% मार्क मिले हमें, है ना, ये तो अप्रोक्सीमेटली 17 होता है, 17 प्लस 17 आंसर इज 34, रेशियो मिल गया आई मैक्स बाय आई मीन, इसका मतलब देख लो यहां पे व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का मतलब आई मैक्स बाय आई मीन होता है, इसलिए इसका रेशियो क्या मिल गए वाला है, आंसर भी तो 34 है यार, खत्म बात, देख लो देख लिए, चलो मिटा दे अभी, हाँ यहाँ पे पॉज करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज के, चलो मिटा दें। ओके अब क्वेश्चन नंबर 21, 21 में क्या है, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर, है ना, गिवन यहां से लिखेंगे हम, इसका गिवन है, गिवन क्या है वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू 546 नैनोमीटर, बच्चों नैनोमीटर हमने एक कन्वर्शन बता दिए, समझो यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम रहता, इसे मीटर में करना है तो 5
10 5000 × 10⁻¹⁰ करना, ये मीटर बन गया। ओके, नैनोमीटर का मीटर बनाना है उसे 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करना। बच्चों याद रखो ये सभी कन्वर्शन स्टेप बाय स्टेप आपके ध्यान में आने वाले हैं, इसे प्रैक्टिस करते रहना, कभी भूलना नहीं। प्रैक्टिस भूल गए एक प्रॉब्लम आपके नहीं रहने वाले। चलो वेवलेंथ्स के कन्वर्शन दो हो गए, एंगस्ट्रॉम दिए तो मीटर में क्या करना 10⁻¹⁰ करना, और नैनोमीटर में दिए तो मीटर में करना है तो 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करना। आगे क्या दिया गया, थ्रू अ स्लिट ऑफ अ विड्थ, स्लिट की विड्थ, स्लिट की छोटा डी है, छोटा डी स्लिट है ना, ये छोटा, ये जो होल एक एक ही होल है, एक स्लिट है ना, कार्डबोर्ड को हमने एक नाइफ लेके पूरा स्लिट गिराया, थोड़ा स्लिट, उसकी स्लिट की जो विड्थ है वो विड्थ हमें यहाँ पे 0. यानी स्मॉल डी की वैल्यू 0.4 mm दी गई, mm को मीटर बनाना है, 0.4 × 10⁻³ मीटर बना दिया आज तक हमने। आगे द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन द स्क्रीन विच इज 40 cm, कैपिटल डी है ना, देख लो और एक बार रीड करो, सीन कहां पे सीन हो रहा, ऑन द स्क्रीन, उसका डिस्टेंस हमें दिया 40 cm। 40 cm को हम क्या करेंगे 10⁻²⁰ मीटर कर देंगे, कर दिए। आगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, रेंज विड्थ निकालना है यार, रेंज विड्थ यानी एक्स की वैल्यू निकालना है, वी हैव फॉर्मूला। चलो x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी प्लस लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्यों, सेंटर से तो मेजर करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा, जब कभी सेंटर से काउंटिंग करेंगे तब दो बार लेना ही लेना, इसका मतलब 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, एक्स की वैल्यू निकल जा रही है यार 2 × λ, लैम्डा क्या है 546 × 10⁻¹⁹ इंटू कैपिटल डी क्या है 40 × 10⁻², बट स्मॉल डी क्या है 0.4 × 10⁻³ है ना। चलो एक जगह 10 बना लेंगे हम, क्या क्या बताए, एक जगह 10 बना लेंगे हम, 2 × 546 × 4, 40 में का 4 लिए क्या बचेगा 10 बचेगा, 10 × 4 = 40, ये कितना होगा 10⁻¹⁰, ये ऊपर जाके क्या होगा 10⁻³ है ना, हाँ सर 0.4 एज इट इज, क्या बनेगा 10⁻³ और 10 10⁻⁴, 11 में से 4 निकाल दो यार, क्या आएगा 20 × 546 × 4 लिख दिए, 20 क्यों करे सर, नीचे का एक डेसिमल उड़ा दिए, 4 बना लिए, इसलिए एक जीरो न्यूमरेटर में बना दिए, यहाँ पे 10⁻¹⁰ माइनस 4 कर दो 7 आता, -7 पावर बचेगा। आगे 4 कैंसिलेशन, और 10 निकाल दो, और भी 10 निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 10 है ना, 2 × 546 × 10 × 10⁻¹⁷, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 6 12, 1 remain 2 4 8 plus 1 9 2 5 10 × 10⁻¹⁶, याद आ गई किसे की सर, मैथ्स की। ये जो 4 प्लेसेस नंबर है 1092 डेसिमल कहां है बच्चों, बोलो बोले तो 2 के बाद है ना, ये डेसिमल हम क्या करेंगे, अभी ये mm में आया नहीं, मीटर में आया यार, यही तो आंसर है, आ गया हमारा आंसर आ गया। चलो बच्चों ये तो बात मेन है, mm में बनाना है,
एमएम का मीटर करते समय हमने 10 टू द पावर माइनस 3 बनाए थे, इसे माइनस 3 कर दो, इसे माइनस 3 करना है, 10 रेस टू माइनस 3 कहां गया, ये डेसिमल 3 प्लेसेस यहां पे आके बैठ गया, माइनस 3 बोश हो गया। बात आई ना समझ में, ये प्लेसेस हम यहां पे एक बढ़ा सकते, 5 या 5 के ऊपर, 4 या 4 के ऊपर रहेगा, तो यहां पे हम एक इंक्रीज करेंगे 1.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर है। इसका कन्वर्शन हम किस बात में बना सकते हैं, ये 10 टू द पावर माइनस 3 निकाल दो, 1.1 एमएम आएगा, यही तो आंसर है। चलो देख लो, देख लिए, चलो हो गया, मिटाना है आप, उतार लिए, ओके। चल अब क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हम सॉल्व करेंगे, ये आपको आने वाला है, सॉ इतना बड़ा है, आएगा आएगा जरूर आएगा, हुए वाले है 2-3 प्रॉब्लम अपने हुए वाले हैं अभी के अभी, आज के आज, ये है डिफरेंट, बहुत बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के पूरे प्रॉब्लम, मोस्ट आईएमपी। चलो, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ ऑफ सिंगल स्लिट, देखो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यस फ्रेनोफर, फ्रेनोफर याद है आपको, सिंगल स्लिट, ये जो स्लिट है इसकी विड्थ इतनी है, छोटी है, बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी, ये विड्थ यानी स्मॉल डी, बात आई आपको, स्मॉल डी भी कंसीडर कर सकते हैं, यहां पे जो भी स्लिट रहती ये डिस्टेंस रहता, स्मॉल डी से भी हम दिखाते या स्मॉल ए से भी दिखाते, कई जगह दिखाया हम डेरिवेशन में, एक्सप्लेनेशन में, यस याद है आपको, है सर। चलो, स्लीट की विड्थ यानी डिस्टेंस स्मॉल डी एंड द वेवलेंथ, ये दोनों का रेशियो निकालना है, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द, किसका किसका रेशियो, स्लीट विड्थ टू द वेवलेंथ, ये निकालना है। चलो, गिवन 22 हमने सॉल्व करना चालू कर दिए, गिवन क्या करना है, पहली ही बात हमें डी बाय लैम्डा निकालना है, बस, फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव द फोर्स डायफ्रैक्शन मिनिमम एट, मिनिमम रहने दो, मैक्सिमम रहने दो, बैंडविड्थ तो वही रहने वाली, बात खत्म यार, है ना। मेन पॉइंट क्या है, ये बात आपको पता नहीं है, ये हम बताने वाले हैं, देख लो पहले, पूरी भाषा में देना चाहेंगे हम, विड्थ, विड्थ ऑफ स्लिट इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा, वेयर एन क्या है, वेयर एन इज द, ऐसा लिखो, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट डॉट, ये फर्स्ट डायफ्रैक्शन निकालना है, फर्स्ट सेकेंड, एन की वैल्यू क्या लेना है हमें, फर्स्ट वन, बस बात खत्म। थीटा क्यों लिया गया है यहां पे, डायफ्रैक्शन का मिनिमम एट फर्स्ट वन ब्रांड पे फ्रेंच पे 45 डिग्री की वैल्यू दी गई, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख देंगे, चलो खत्म। विड्थ ऑफ स्लिट वी हैव कंसीडर्ड स्मॉल डी और ए, डी इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, सही है, डी बाय लैम्डा, एन डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाइड में का डिवीजन में डाल दिए, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एन इज इक्वल टू 1, क्यों,
यहां पे देख लो पहले, फर्स्ट डायफ्रैक्शन मिनिमम एक पहला वाला है ना, सेंटर से लेके, सेंटर से लेके पहला वाला निकालना है तो यही लेना पड़ेगा। चलो रख दो वैल्यू, डी बाय लैम्डा की वैल्यू निकालना है, इधर बाजू बनाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस लगेगा, डी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यही तो आंसर निकालना है, इनकी वैल्यू वन रखेंगे, बाय साइन थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओ, कितना मिलता है बताओ, बता दिए 1/√2, 1/√2 को रिसिप्रोकल कर दो, डी बाय लैम्डा इज इक्वल टू √2/1 हो जाएगा, और √2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहता, 1 रहता, यही तो आंसर है हमारा, खत्म बात, क्या दिया गया। अरे बाप, ये तो आंसर देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, ये रेशियो है बच्चों 1.27, यस 1.417, 1.41, ये ले सकते बातें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, रूट टू में जो भी डिफरेंस आने वाला है डेसिमल के बाद उसे कुछ तो निग्लिजिबल कंसीडर करा जाता है, यहाँ पे कह सकते हैं आप 1.27 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √2, यस आर नो, यस यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, और भी √2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.27, ओके बात खत्म। अब जो 23 है वो आपको सबको आता है, क्या करना है, तीन क्वेश्चन के आंसर निकालना है, बड़ा क्वेश्चन दिख गया कि बच्चे स्टूडेंट लोग 12 के घबरा जाते, हमारे नहीं लोगों के, हमारे कभी नहीं घबरा जाएंगे भाई, मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंसेस डिस्टेंस सोर्सेस पॉजेसेस थ्रू अ स्लिट है ना, पॉजेसेस यहां पे डिस्टिंक्ट होना, डिस्टेंस नको, हाँ डिस्टिंक्ट डिफरेंट रेडिएशन, डिफरेंट है रेडिएशन, ये मोनोक्रोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चालू है, स्क्रीन पे गिर रहा है फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट सोर्सेस है ना, डिस्टेंस सोर्सेस बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, इसलिए हम ब्लैक पेन से लिख दिए यार, डिस्टिंक्ट सोर्सेस टू डिफरेंट सोर्सेस है, पॉसेजेस थ्रू अ स्लिट, स्लिट में से पास हो रहे हो, द डायफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2.50 मीटर, आप देखो ये क्या ले सकते हैं, कैपिटल डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू, कौन सी वैल्यू लेना चाहेंगे आप, कौन सी लेना बताओ ना सर, एक आपको ये रीड करने के बाद सोर्सेस एंड स्लिट, स्लिट एंड ऑब्जर्वर पैटर्न यानी स्क्रीन, यहां तक का डिस्टेंस बोले तो कैपिटल डी है, बात खत्म, चले आगे, नहीं स्मॉल डी की वैल्यू है, देखिए अब आगे की बात देखो, फ्रॉम द स्लिट इफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्स इज, विड्थ है यानी एक्स की वैल्यू, विड्थ हम कंसीडर करते हैं एक्स से भी या डब्ल्यू से भी, डब्ल्यू लिखेंगे, चलो आज अभी तक तो एक्स यूज करें हम, विड्थ लिखना, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी लिखो 6.00 mm, इसे हम मीटर में कन्वर्शन कर देंगे, 10⁻³ मीटर, खत्म बात, व्हाट इज द स्लिट विड्थ, अब देखो स्लिट विड्थ यानी स्मॉल डी निकालना है यार, इसे नहीं कंसीडर करना था, हम करते थे तो हाँ रॉन्ग हो जाता था, अच्छी तरह से रीड करना बच्चों सॉरी ये स्लिट विड्थ यानी जो स्लिट हम गिराए यहाँ पे नाइफ से एक कटर से, ये स्लिट की विड्थ कितनी है, छोटी है बड़ी है, कितनी है विड्थ वो निकालो, खाली एक पॉइंट में दूसरे पॉइंट में
तीसरे पॉइंट में लाइट बदली वाली है, यहाँ पे विजिबल लाइट लिए, उसका वेवलेंथ दिया गया, पहले क्वेश्चन के लिए वेवलेंथ बदलना है। खैर आंसर क्या है भी? x इज इक्वल टू विड्थ यानी w इज इक्वल टू कुछ भी लिखो, हम अभी तक x यूज करें, अब विड्थ बोलेंगे हम इज इक्वल टू w, हमारे टेक्स्ट में w भी है x भी है बहुत जगह, इसलिए हम यूज कर सकते फार्मूला 2 लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d। बात याद आई क्यों 2 आया? लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d प्लस लैम्डा d, सेंटर से तो काउंट करेंगे ना, इसलिए यहां पे ये लैम्डा की पहली वैल्यू क्या रखना, 500 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को मीटर करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 9 है ना, यहाँ पे लिख के रखेंगे पहले बात के लिए 500 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, बी क्वेश्चन 50 माइक्रोमीटर है ना, 50 लैम्डा इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोमीटर। ये तीसरा कन्वर्शन एंगस्ट्रॉम का मीटर में, एमएम का मीटर में है ना, और कौन सा एनएम का मीटर में, अब म्यू एम का भी दे दिया हमें, सी की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या लेना चाहिए, एनएम में है ये बात इजी है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ये बातें यहां पे रखना। D इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा, फिर D इधर लेके आओ, W को विड्थ को उधर लेके जाओ, 2 लैम्डा D बाय W, ये फार्मूले में सभी वैल्यू रखना, D की वैल्यू मिलेगी, A के लिए सॉल्व करना है 2 एज इट इज इंटू लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, D की वैल्यू हो गई, D की वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। कैलकुलेशन आराम के साथ करना, घर पे शांति से करना है ना, राम नहीं होने देना। कुछ कई लोग लॉक टेबल भी यूज करते हैं, हम तो अभी तक लॉक टेबल का कहां पे भी नामो निशान नहीं आने दिए है ना, आप भी वैसे ही सॉल्व करना यार, इसमें ये प्रॉब्लम में कुछ लॉक टेबल यूज करने जैसा नहीं है ज्यादा करके, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम लॉक टेबल से करके देखना, थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, नो लॉक टेबल रीड टेबल ओके। चलो देख लो, चलो हो गया पूरा मिटार देना, अभी लास्ट 2 प्रॉब्लम है हमारे अभी। अब क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट आईएमपी 2 के 2 भी ओके। A star is emitting light at the wavelength of 5000 angstrom. Wavelength की value given. क्या लिखेंगे? 5000 angstrom is equal to 5000 into 10 to the power minus 10 meter. ये 3 0 हटा दो. 5 into 10 raised to minus 7 meter. Are you agree? Yes sir. Lambda मिल गया. Determine the limit of resolution. Limit of resolution. यानी हम क्या consider करते थे? थीटा? Yes. कहीं के बारे में है? Limit of resolution of the telescope यार थीटा ही consider करते हैं हम. Having an objective of diameter of objective is equal to, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 200 इंच, अब इसे मीटर में करना है, देख लो यहां पे बना रहे हम मीटर नहीं सेंटीमीटर में करना है, पहले सेंटीमीटर पढ़ाएंगे, सेंटीमीटर कर दिए तो 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बन जाएगा है ना, 200 इंटू 2.54 भूलना नहीं, जब इंचेस बहुत कम जगह आता, पहले बहुत बहुत एंसियंट पार्ट में इंचेस में काउंटिंग होती थी, अभी बहुत कम है
आपके स्केल पे एक बाजू में सेंटीमीटर रहता है, एक बाजू में इंच। इंच कभी यूज करें कि आप? नहीं करें, नहीं जया भी है ना, अभी वो स्केल पे का भी चला जाएगा कुछ दिन के बाद, मगर ये नहीं चला जाएगा फिजिक्स में से, कभी भी आ सकता है यार। ये क्या बन गया अभी? ये सेंटीमीटर बन गया बच्चों। अब आगे क्या करना है फिर? 200 इंटू दिस वन, देखो ये 20 एज इट इज दे दी हमने, 2 4 8 आएगा, 2 5 10, 1 रिमेन, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 प्लेसेस डेसिमल, ये हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मीटर करने के लिए यहाँ पे हम 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मीटर कर देना, हम और सेंटीमीटर लिख रहे थे, कुछ भी लिखते हो सर। 508 इंटू 10 to the power -2 मीटर है ना। हाँ, आज का लेक्चर फाइनल है, ये प्रॉब्लम भी फाइनल है, अभी लास्ट वन 25 तक है बस। अभी ये है हमारा क्या? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम यहां से टेलीस्कोप से देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, ये क्या है? अरे यार, सोर्सेस का तो डिस्टेंस है ना, बात अरे है समझ में, यही मेन पॉइंट है। अब फॉर्मुलेटेड पार्ट क्या है तुम्हारा, सोचो पहले। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी है ना, ये तो मेन है पार्ट। यहाँ पे कैपिटल डी दे देंगे हम, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, यहाँ पे आप थीटा एज इट इज 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या लिखना है? 5 × 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय 5 0 8 इंटू 10^-2। क्या करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आपको करना है ये ऊपर लेके जाओ। थीटा इज इक्वल टू 1.22 इंटू 5 इंटू 10 to the power, ऊपर लेके गए तो माइनस का प्लस हो जाएगा, -5 आएगा है ना, राइट सर। 5.08 पॉइंट नहीं है, और क्या आएगा? एक जगह नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10^-5 डिवाइडेड बाय, यहां पे 5.08 इंटू 10^2 अगेन -2 कैसे आएगा सर? +2, यहां का पावर हम यहां पे लेके गए है ना, पॉइंट में तो बना दिए, इसलिए +2 आने वाला है। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेसेस डेसिमल पुश हो जाएगा, यानी बाहर जाएगा है ना, ये ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 1.22 इंटू 5 इंटू 10^-7 डिवाइडेड बाय 5.08। कैलकुलेट कर दो, कहां से करना है सर? थीटा इज इक्वल टू 5 2 10, 5 2 10 +1 11, 1 रिमेन, 5 1 1 5 +1 6, 6.5108 इंटू 10^-7, 2 प्लेसेस डेसिमल, 2 प्लेसेस डेसिमल करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख देना हम, चलेगा, हम करके देखे वाला है। देखो ना, देखो ना, 6.10 से छोटा है, वन जा का डिवीजन जाता बाद में टू जा का, क्योंकि वन रहता 11 बनता टू जा का है ना, चलेगा। 1.2 इंटू 10^-7 रेडियन, ओके रेडियन खत्म। बा देख लो, अब हमें कौन सा क्वेश्चन बनाना है? 25 लास्ट वन देख लिए, मिटा दे, अभी मिटा दे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दिया? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन द बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में टू ब्राइट फ्रिंजेस में का डिस्टेंस यूजिंग लाइट वेवलेंथ गिवन। लैम्डा इज इक्वल टू 600 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 600
हंड्रेड नहीं 6000 है यार, 10^-7 मीटर। चलो 3-0 उड़ा दो, उड़ा दिए अभी हम 10 का 7 कर दिए, 6 × डायरेक्ट कर दिए, चलेगा चलेगा, क्योंकि 6000 × 10^-10 होना था, यहां पे 3-0 कम कर दिए, यानी 10^+3, 10^-10, -10 + 3, दैट इज -7, रिमेन, खत्म बात। ये क्या है फिर? ये है आपका विड्थ, विड्थ है एक्स की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू कंसिडर करेंगे यार, विड्थ यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.32, एम डी वाला है 0.32 × 10^-3 मीटर, बात खत्म। टू डेसिमल प्लेसेस हटा दिए तो भी और यहां पे बदलाव आ जाएगा। चलो By how much will the distance change? अलग है, अलग है। If the light of wavelength is, ये पहले वाला wavelength, light enter करने के बाद, अलग medium में जाने के बाद, वहां का जो भी light का wavelength है वो कम ज्यादा तो होने वाला है, इसलिए lambda 2 is equal to 4800 angstrom इज इक्वल टू 4800 × 10^-10 मीटर, यानी 48। चलो यहाँ पे भी 4.8 करेंगे, 3 places डेसिमल बना दिए, 10^-7, ऊपर के वेवलेंथ के जैसा मिलेगा, चलेगा। ओके, अब आगे इज यूज्ड अप, ये पार्ट हमें अब लेना है, यहाँ पे विड्थ 1, यहां पे V2, दोनों का डिफरेंस लेना है। हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, कितना चेंज हो रहा, ये विड्थ पहले वाला था, अब विड्थ कितना बदल रहा है वहां पे, दोनों में चेंजेस सब्ट्रैक्शन, कौन सा बड़ा है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करना बच्चों। वी आर फॉर्मुलेटेड पार्ट क्या है विड्थ के बारे में, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी, यूज करते थे हम, ये 1 के बारे में रख दिए, कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम तो रहने वाले हैं यार, चेंज नहीं होने वाले। ये हो गया एक फॉर फॉर फर्स्ट कंडीशन, ऐसा लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। चलो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू, यानी विड्थ 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डी बाय स्मॉल डी, दैट इज द सेकेंड फॉर सेकेंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। अच्छी तरह से शांति से समाधानी से सॉल्व करना, ये बात तो इंपॉर्टेंट है। एक को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे सर, क्यों करेंगे, दोनों में से एक की वैल्यू हमें दी वाली है, दूसरी की तो वैल्यू निकालना है। λ1 λ2 भी दी वाला है, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी उड़ जाता, हमें सप्लाई करे वाला नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए डिवीजन, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। ओके, W1 / W2 यानी width 1 / width 2, λd बाय स्मॉल डी, λ2d / d, डी 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 ऊपर नीचे हटा दिए दिए, यस ये विड्थ नंबर 2 इज इक्वल टू λ1 / λ2, रख दो वैल्यू, ये W1 की वैल्यू हमें सप्लाई करे वाली है ना। चलो 0.32 × 10^-3, ये उधर लेके जाओ, λ/λ1 / λ2 इधर आने के बाद रिसिप्रोकल हो जाएगा, λ2 ऊपर जाएगा, λ2 की वैल्यू है 4.8 × 10^-7, डिवीजन में कौन जाएगा, λ1 की वैल्यू 6 × 10^-7, ये किसकी वैल्यू मिल गई, W2 की, ये 10^7, 10^7, खत्म। क्या आ गया आंसर, देख लो आप, W2 इज इक्वल टू 6 × 6, 6 8 = 48, डेसिमल निकाल दिए हमने,
ये दोनों का प्रोडक्ट करना है 0.32 इनटू 0.8, हमारा रॉन्ग हो सकता है थोड़ा फास्टली, टाइम तो होते जा रहा इसलिए आपका भी टाइम बढ़ रहा। एक दो प्रॉब्लम के लिए अगेन नेक्स्ट वन लेक्चर अटेंड करना अच्छी बात नहीं रहती, अब आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। हाँ सर, 8 2 16 1 रिमेन 8 3 24 24 प्लस 1 25 है ना, 25 थ्री प्लेसेस, टू और ए वन थ्री प्लेसेस डेसिमल, ए डेसिमल दे दी हमने 10 to the power -3 क्या हो गया मीटर है ना। इसे हम एमएम में बनाएंगे, आंसर एमएम में आने वाला है, एमएम में आने वाला है, एमएम में बनाइए। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये थ्री प्लेसेस हम हटा दे क्या होगा, क्या होगा ए डेसिमल प्लेसेस निकाल देने के बाद, ये भी है वो भी है, सोच लो आप। अब चेंजेस इन विड, डब्ल्यू टू छोटा है डब्ल्यू वन छोटा है, 0.32 10 to the power -3 0.2 ये छोटा है ए बड़ा है, ये कभी कभी माइनस भी आता, घबरा नहीं जाना, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन भी कर दिए, ये मैग्नीट्यूड में लिखना डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन चलेगा यार, कुछ नहीं है, मगर हमें समझ में आता है तो रॉन्ग कहीं को करना है, सही है ना। इज इक्वल टू 10 to the power -3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मीटर का पहले निकालेंगे हम 0.32 -0.2576 ओके। चलो अब इसका सब्ट्रैक्शन, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हम भी कंफ्यूज हो जाते, अच्छी तरह से करना 10 - 6 ये भीख मांगने की मेथड, ये इसको भीख मांगेगा ये इसको मांगेगा, ये मेथड बचपन की याद आ रही है हमें, सर आपको तो किसकी भी याद आती, ये 11 11 - 5 6 1 2 रिमेन खत्म 0। अब क्या आ गया 0.064 × 10⁻²⁻³, हमारा रॉन्ग नहीं है राइट आ गया है ना, ये है मीटर में, ये बात हो गई मीटर, ये मैम करना है तो ये हटाना पड़ेगा है ना, W1 - W2 यानी विड्थ का चेंज कितना हो रहा 0.064 mm, आपको जो भी आंसर कंपैरिजन के लिए गवर्नमेंट आंसर है, ये गवर्नमेंट आंसर के लिए आपका गारंटी पत्रक हमने दे दिए, यहाँ पे हमारे ऑप्टिकल वेव ऑप्टिक के पूरे प्रॉब्लम टाटा बाय बाय हो गए, अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पेपर में से फर्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक बाय बाय।